गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो हम आगे जो टॉपिक लेंगे वो टॉपिक अपने ही सेकेंड यूनिट से ही रिलेटेड रहे, यानी कि अपनी सेकेंड यूनिट ही स्टार्ट है अभी, कि जो आपको लास्ट वीडियोज अपलोड हुए हैं उनमें सभी में आपको सेकेंड यूनिट के ही टॉपिक्स बताए गए हैं, ठीक है। और उसमें अपन ने एल्कोहल्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें अपन ने मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल्स पर क्या क्या था अपन ने डिस्कस किया था, ठीक है। अब जो आपको यहाँ मैं आपको सिलेबस शो कर रहा हूँ कि जो आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और अपने जो महाराजा भर्तृहरि मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर है, तो इसमें दोनों का सिलेबस सेम होता है, ठीक है। जो अपने बीएससी बीएड और अपने नॉर्मल बीएससी यानी कि इंटीग्रेटेड और सबके लिए सिलेबस इक्वल है यहाँ पर। तो आपको मैंने अभी तक के जो वीडियोज़ अपलोड किए हैं उनमें आपने ये पार्ट आपको क्लियर किए हैं, ठीक है, कि मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक एल्कोहल और ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल्स, इनके करेक्टरिस्टैटिक्स, इनके फॉर्मेशन, इनके केमिकल और फिजिकल रिएक्शन जो भी थी आपको क्लियर हो चुकी है। अब जो इसी यूनिट में अभी इसके दो पार्ट्स और हैं, ठीक है, तो उन दो पार्ट्स में एक आता है फिनोल और दूसरा क्या है ईथर एंड एपोक्साइड्स। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे फिनोल पर। अब फिनोल में क्या क्या है, नॉमनिकल्चर है, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग है, प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड एसिडिक करेक्टर, ठीक है, कंपेरेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल एंड फिनोल्स, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन और ऑफ फिनोक्साइड आयन, रिएक्शन ऑफ फिनोल, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन, ठीक है, एसिटिलीन एस्टिलेशन एंड कार्बोक्सिलेशन, मैकेनिज्म ऑफ फ्राइज रिअरेंजमेंट, कैलेजन रिअरेंजमेंट, गाटरमान सिंथेसिस, ओबन होज रिएक्शन, लेडर मैंसी रिएक्शन एंड राइमर टीमान रिएक्शन। तो इसमें जो मेन अपने क्वेश्चन है वो लगभग क्या होता है कि जो बाइनियम रिएक्शंस है, ठीक है, यहाँ से एसिटिलेशन, कार्बोक्सिलेशन मैकेनिज्म, ठीक है, ये जो आपको शो हो रहे हैं ये बाइनियम रिएक्शन है, ठीक है। तो अधिकतर यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कि अपने को पूरी यूनिट के हिसाब से अपने को पर यूनिट टू क्वेश्चंस मिलते हैं ऑप्शन में, तो आप कोई भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अपन बात करेंगे। तो एल्कोल है, एल्कोल में से और इसमें से लगभग आपको एक क्वेश्चन सेट हो जाएगा, ठीक है। ईथर से ये लगभग ये कराने के बाद तो आपकी पूरी यूनिटी कंप्लीट है लगभग। तो आपको इसके अकॉर्डिंग आज जो अपन डिस्कस करेंगे वो करेंगे फिनोल पर। तो फर्स्टली फिनोल का आता है नॉमनिकल्चर। तो नॉमनिकल्चर पर क्या होता है कि फर्स्ट अपन बात करते हैं कि फिनोल क्या होते हैं। तो फिनोल क्या होते हैं कि ये वे कंपाउंड्स या यौगिक होते हैं जिनमें क्या होता है कि एरोमेटिक रिंग के साथ क्या होता है कि कम से कम एक हाइड्रोक्सी OH ग्रुप क्या हो, जो प्रेजेंट हो या जुड़ा हुआ हो, ठीक है। तो उन्हें क्या कहते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। तो इनमें जो एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड यानी कि जो फिनोल्स हैं, फिनोल में क्या है कि भाई अपन किस तरह से यहाँ पर बात करेंगे कि भाई जो एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड है ये क्या होते हैं कि टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, ये टू प्रकार टू टाइप्स के होते हैं। तो एक तो होता है एरोमेटिक एल्कोहल और दूसरा होता है फिनोल, ठीक है। तो इसमें एरोमेटिक एल्कोहल पर अपन बात करें तो इनमें क्या होता है कि ये वो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप जो होता है वो किसी एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ नहीं होता, यानी कि जो डायरेक्टली बात करें कि भाई क्या होता है कि जो एरोमेटिक रिंग है, ठीक है, इस एरोमेटिक रिंग से क्या है कि OH ग्रुप डायरेक्टली नहीं जुड़ा होता है, वो इंडिविजुअल क्या होता है, इनडायरेक्टली होता है, यानी कि जैसे यहाँ पर CH2OH, ठीक है। तो ये क्या है कि इसे OH ग्रुप क्या है कि एरोमेटिक ग्रुप से डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है, तो इस कंडीशन में यहाँ पर जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन क्या होता है कि जो साइड चेन होती है, पाशव श्रृंखला होती है, से जुड़ा होता है, जैसे आपको ये एग्जांपल बता दिया मैंने, ठीक है। तो अब इसके बाद जो बात आती है फिनोल्स,
फिनोल्स में क्या होता है कि जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो डायरेक्टली क्या होता है कि एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ होता है। जैसे अपने अभी यहाँ पर का बात कर रहे थे कि फिनोल से भी क्या है कि भाई बेंजीन रिंग है, इससे क्या हो कि डायरेक्टली OH ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तो वो क्या होते हैं, फिनोल्स होते हैं। ठीक है, और फिनोल में क्या होते हैं कि कुछ स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और इनमें क्या है कि OH ग्रुप की प्रेजेंस से क्या होती है कि काफ़ी मात्रा में, यानी कि पर्याप्त मात्रा में क्या है कि एसिडिक होते हैं। ठीक है, एसिडिक होने का अपना आगे डिस्कस करेंगे भाई, ये एसिडिक बिहेव किस तरह से करते हैं, कंपेयर करेंगे अपने अल्कोहल से। ठीक है, तो वो आगे डिस्कस करेंगे इस मैटर पर। तो ठीक है, आगे बात आती है कि जो क्लासिफिकेशन की बात करें, तो क्लासिफिकेशन जैसे आपने एल्कोहल्स में किया था कि मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक, तो यानी कि नंबर ऑफ OH ग्रुप पर ये डिपेंड करता है। अगर एक OH ग्रुप प्रेजेंट है तो उसे मोनोहाइड्रिक फिनोल, दो ग्रुप है तो डाइहाइड्रिक फिनोल, और तीन ग्रुप है तो क्या रहेंगे, ट्राइहाइड्रिक फिनोल्स होते हैं। ठीक है, अब क्या है कि इनमें जो ये OH ग्रुप की प्रेजेंस के बेस पर है, तो अपन फिनोल यानी कि एक OH ग्रुप वाला यहाँ पर पढ़ना है अपने को, मेन डिस्कस उसी पर होगा इस यूनिट का हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि भाई जो OH ग्रुप की प्रेजेंस है उसके बेस पर क्या है, भाई एक OH ग्रुप है तो अपन ने उसको फिनोल दिया है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो बात होती है कि ये जो ग्रुप्स हैं इनकी प्रेजेंस से इनके जो नाम होते हैं, एक तो अपन ने IUPAC नाम बोल दें अपन, ठीक है, या अपन दूसरे नाम बता दें, और एक होता है इनका जर्नल नाम। तो अधिकतर क्या होता है कि ये किससे जाने जाते हैं, अपने सिंपल नेम यानी कि जो जर्नल नाम है, सामान्य नाम है इनके, उनसे ही जाने जाते हैं। तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने जो आपको अभी ये शो हो रहे हैं। ठीक है, जैसे फिनोल है, फॉर्मूला आपको पता है C6H5OH। ठीक है, यानी कि इस पर क्या है कि OH ग्रुप सीधा जुड़ा हुआ है, और क्या नाम है इसका, अदर नेम क्या है, हाइड्रोक्सी बेंजीन या कार्बोलिक एसिड। ठीक है भाई, ये इस नाम से, लेकिन अपन जर्नली किस नाम से जानते हैं इसको, फिनोल के नाम से। इसी तरह से ऑर्थो क्रिसोल, ऑर्थो क्रिसोल यानी कि जो अपने टोलुइन है, उस टोलुइन के क्या है कि ऑर्था पोजिशन पर क्या हो कि एक OH ग्रुप प्रेजेंट हो। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, ऑर्थो क्रिसोल, और इसे किस नाम से जानते हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी टोलुइन या ऑर्थो मैथिल फिनोल। ठीक है, इसी तरह से मेटा क्रिसोल यानी कि OH ग्रुप मेटा पोजीशन पर बेंजीन रिंग की पे, तो ये क्या हो जाएगा, मेटा हाइड्रोक्सी टोलुइन। ठीक है, या क्या हो जाएगा, मेटा मैथिल फिनोल। ठीक है, इसी तरह से पैरा क्रिसोल, तो पैरा क्रिसोल में क्या है कि OH ग्रुप पैरा पोजीशन पर ऐड होगा, तो क्या हो जाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी टोलुइन। ठीक है, ये तो क्या है कि आपके सामने जो एग्जाम्पल है कि जब क्या हो कि ओनली सिंगल OH ग्रुप प्रेजेंट हो, यानी कि मोनोहाइड्रिक फिनोल पर है। इसी तरह से सेकंड बात होती है अपनी डाइहाइड्रिक फिनोल्स पर, तो डाइहाइड्रिक फिनोल में यानी कि 2 OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे बेंजीन रिंग पर। तो जैसे क्या है, कैटेकोल, तो इसमें क्या है कि ये किस नाम से जाना जाएगा, ऑर्थो डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, ऑर्थो डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से अगला क्या आता है, रिसोर्सिनोल, रिसोर्सिनोल में यानी कि ए OH ग्रुप कहाँ जाएगा, मेटा पोजीशन पर, इसमें ऑर्थो पोजीशन पर था, इसमें मेटा पे और इसमें पैरा पे, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि ये क्या हो जाएगा, मेटा डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। और क्यूनोल, क्यूनोल किसके है, यानी कि पैरा पोजीशन पर OH ग्रुप ऐड है, तो ये क्या हो जाएगा, डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन या हाइड्रोक्विनोन। ठीक है, ये इसके क्या थे, 2 OH ग्रुप वाले के एग्जाम्पल थे, जिनका क्या है कि जर्नल नेम तो ये है और ये क्या है इनका, अदर नेम है। ठीक है, फिर इसी तरह से ट्राईहाइड्रिक फिनोल्स पर बात करें, तो इसमें क्या है, ट्राईहाइड्रिक फिनोल में तो फर्स्ट आता है पायरोगैलोल, पायरो गैलोल, तो इसमें क्या है कि 3 OH ग्रुप है, और एक तो इसकी इस पोजिशन पर है, इसके अलावा ऑर्थो और मेटा पे जिस पोजीशन पर है, तो इसका नाम अपन क्या दे सकते हैं, 1, 2, 3 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन या क्या है, पायरोलिक एसिड। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट जो एग्जांपल इसका वो क्या है, फ्लोरो ग्लूसिनोल है। ठीक है, और इसमें क्या है कि इसकी इस रेंज पर यानी कि 1, 3 और 5 पर क्या है, OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो 1, 3, 5 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन या क्या है, सिमेट्रिक ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन।
ठीक है। तो ये क्या थे, इनसे रिलेटेड ये बातें थी थोड़ी, यानी इनके नॉमिनी कल्चर पर बातें थी हैं। इसके बाद आता है प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, ठीक है, कि यानी कि फिनोल को अपन कैसे प्राप्त करते हैं। एक तो क्या होता है कि एक तो वो सिंपल ही तरीके होते हैं कि जो अपने नेचुरल सिस्टम होता है, लेकिन क्या है कि इसकी जो अपने कॉमर्शियल प्रोडक्शन चाहते हैं तो उसके लिए अलग सिस्टम है। तो ये अपनी इसका प्रिपरेशन पर दो मेथड पड़ेंगे यहाँ पर। एक तो क्या है कि इसका एक अपनी ये बोल सकते हैं कि जर्नल मेथड है और एक क्या है कॉमर्शियल है। तो फर्स्टली अपन जर्नल पर बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसमें आप इसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो फर्स्ट जो आता है वो आता है कोल तार। क्या आता है? कोल तार। तो कोल तार से बात करें तो इसमें क्या होता है कि कोल तार में क्या होता है, आपको पता है कि जो कोल तार होता है उसमें क्या होता है कि कई प्रकार के जो यौगिक होते हैं वो उसमें उपस्थित होते हैं। तो उनको क्या है कि भाई अपन किस तरह से क्या करते हैं, प्योरीफाई यानी कि डिस्टिलेशन करेंगे तो उससे अपने को ये प्राप्त होंगे। देखिए इसमें क्या होता है कि कोलतार में कई क्या होते हैं, मोनोहाइड्रिक फिनोल होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और फिनोल का कॉमर्शियल प्रोडक्शन कोलतार से ही किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो बात आती है कि जो कोलतार यानी कि जो मिडिल ऑयल है, मिडिल ऑयल से जो कोलतार मिलता है तो उसमें क्या होता है, फिनोल है, क्रिसोल है, जाइलिन जाइलिनोल है, ये पाए जाते हैं। इसी तरह से हैवी ऑयल है, ठीक है, कि उनमें क्या है, क्रिसोल है, हायर फिनोल है, नेफ्थोल है, ये पाए जाते हैं। तो इस तरह से क्या है कि इन ऑयल्स के क्या है कि फंक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा इनको पृथक किया जाता है, यानी कि क्या किया जाता है, प्रभाजी आसवन, ठीक है ना। प्रभाजी आसवन आपको पता है कि भी जो क्रूड ऑयल होता है उस क्रूड ऑयल से कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल, एलपीजी गैस, ये क्या है कि डिफरेंट टेम्परेचर पर क्या होते हैं कि इनका प्रभाज, वो जो आसवन स्तंभ है उसमें प्रभाज स्तंभ में क्या करते हैं, आसवन करते हैं, और उससे क्या है कि अलग अलग टेम्परेचर पर मिलते हैं। यानी कि ये प्रभाजी आसवन कहाँ होता है ये भी आपको पता होगा कि भी प्रभाजी आसवन जो फंक्शनल डिस्टिलेशन है वो कहाँ होता है कि जिनके क्या होते हैं कि ये वो लिक्विड होते हैं कि जिनमें क्या है कि जो उनका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बॉइलिंग पॉइंट क्या है कि जब उसमें क्या हो कि 20 केल्विन से कम का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में उनका क्या करते हैं, अपने फंक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, ठीक है। तो इनमें इतना ही है कि ये नॉर्मल नॉर्मल टेम्परेचर डिफरेंस पर ही अपने को मिल जाते हैं। अब इसके बाद जो बात आती है नेक्स्ट, ठीक है, अब यहां से अपना मेन शुरुआत हो रही है अब, ठीक है। तो अपने को बोला है यहां पर कि फ्रॉम सल्फोनिक, सॉरी, सोडियम साल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड, ठीक है, कि जो सल्फोनिक अम्लों के सोडियम साल्ट है तो उनसे प्राप्त करते हैं। तो इसमें आप कैसे प्राप्त करेंगे कि जो एरोमेटिक सल्फोनिक अम्ल है, कि क्या है कि जो सोडियम लवण होते हैं, एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड, एसिड के सोडियम साल्ट को क्या करते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ हीट करते हैं, हीट करने पर क्या मिलेगा अपने को, फिनोल। ठीक है, कि जब क्या करते हैं कि एरोमेटिक जो सल्फोनिक एसिड है उसको क्या है कि इसके जो सोडियम साल्ट है, जो सोडियम साल्ट आपको बैक में अपने फॉर्मेशन भी किए, सॉरी थर्ड ईयर में हुआ आपके, नहीं आया अभी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो अपने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड अगर थोड़े बहुत आपने पढ़े हैं तो उनके बारे में आपको पता होगा, तो उसमें क्या है कि इसके सोडियम साल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो उसके क्या है कि जो सोडियम साल्ट है उन सोडियम साल्ट का क्या है कि क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करेंगे, तो ये क्या है, रिएक्शन क्या हो जाएगी, C6H5SO3Na। ये क्या हो गया कि सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, यानी कि एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड, ठीक है। अब इसका क्या है कि किसके साथ हीट करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ इसको हीट करेंगे,
कहाँ से आ रहा है भाई, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करेंगे, हीट करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, फिनोल C6H5OH प्लस सोडियम सल्फाइड Na2SO3, ठीक है, ये रिएक्शन हो जाएगी यहां पर। इसके बाद कि जो नेक्स्ट बात होती है वो आती है कि डाई एजोनियम साल्ट, फ्रॉम डाई एजोनियम साल्ट, ठीक है। तो डाई एजोनियम साल्ट के साथ क्या करते हैं कि इनका स्टीम डिस्टिलेशन यानी कि भाप आसवन करते हैं, ठीक है ना, कि जो डाई एजोनियम के जो सल्फेट हैं उनका क्या करते हैं कि भाप आसवन करेंगे यानी कि स्टीम डिस्टिलेशन करेंगे, तो अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा, फिनोल। क्या करेंगे, फ्रॉम डाइएजोनियम साल्ट, डाइएजोनियम साल्ट से, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, बेंजीन बेंजीन डाई एजोनियम सल्फेट सल्फेट का क्या करेंगे, का भाप आसवन स्टीम डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन करने पर प्राप्त होता है, करने पर फिनोल्स होता है, ठीक है। रिएक्शन क्या हो जाएगी कि आप रिएक्शन में क्या बताएंगे यहां पर कि अपन क्या ले रहे हैं, सोडियम साल्ट लेंगे यहां पर, सॉरी सोडियम साल्ट नहीं, डाइएजोनियम साल्ट लेंगे, तो क्या हो जाएगा, C6H5N2 ये प्लस और HSO4, ये क्या हो गया, बेंजीन डाइएजोनियम सल्फेट, ठीक है। इसके साथ इसका क्या करेंगे, स्टीम डिस्टिलेशन करेंगे, तो स्टीम डिस्टिलेशन करेंगे तो अपने को क्या प्राप्त होगा, फिनोल C6H5OH प्लस नाइट्रोजन प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है। नेक्स्ट जो मेथड आता है इसका वो क्या आता है, फिनोल अम्लों के कार्बोक्सिलीकरण द्वारा, ठीक है, बाय द डी कार्बोक्सिलेशन फ्रॉम द डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ फिनोलिक एसिड्स, तो इससे आपके इसका कैसे प्राप्त करेंगे इसको, तो इसमें क्या होता है कि जो फिनोलिक एसिड होते हैं, ठीक है ना, जैसे सैलिसिलिक अम्ल है, को क्या है कि सोडा लाइम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, और इसके अलावा क्या है कि जो लाइमस्टोन, ठीक है ना, यानी कि जो कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा चूना, ठीक है, तो उसके साथ क्या करेंगे,
इसको डिस्टिलेशन करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, फिनोल होता है। ठीक है, क्या करेंगे यहां पर कि जब फिनोलिक एसिड जैसे सैलिसिलिक अम्ल, ठीक है ना, को सोडा लाइम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर, ठीक है, के साथ डिस्टिलेशन आसवन कराने पर फिनोल प्राप्त होता है। ठीक है, रिएक्शन क्या हो जाएगी, बेसैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड क्या होता है फॉर्मूला इसका कि बेंजीन रिंग, एक OH और एक COOH ग्रुप। ठीक है, ये क्या है, सैलिसिलिक एसिड है, इसका किसके साथ, सोडा लाइम NaOH और CaO का मिक्सचर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर माइनस CO2 और क्या बच जाएगा, फिनोल। ठीक है, तो ये इस तरह से आप इसको प्राप्त करेंगे। इसके बाद जो बात आती है वो आती है कि गर्नियर रिएजेंट से, तो गर्नियर रिएजेंट से आप इसको किस तरह से प्राप्त करेंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।